काउंटडाउन क्लासिक सेकंड एडिशन एक्सरसाइज 4B। ठीक है, मैं आज इस वीडियो में आपको करवाऊंगी एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैंने प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, एलसीएम फाइंड आउट करना है हम लोगों ने बाय डिवेन मैथड। ठीक है, तो एलसीएम फाइंड आउट करने के कितने मैथड होते हैं, 3 मैथड्स होते हैं, कॉमन मल्टीपल मैथड, देन प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड और देन डिवेन मैथड। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल मैथड में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि जो मल्टीपल्स हैं जैसे 4, 6 और 8 का फाइंड आउट करना है एलसीएम, तो मल्टीपल्स पहले 4 के लिखेंगे, देन 6 के लिखेंगे, देन 8 के लिखेंगे, फिर जो कॉमन है ठीक है वो लिख लें, कॉमन और क्या है 48 भी है उसको भी लिख लें। ठीक है, सो ऑन कर दें, क्योंकि जैसे जैसे लिखते जाएंगे और आते रहेंगे कॉमन, और इनमें से जो छोटा है 24 छोटा है, 48 के जो आने वाले नेक्स्ट नंबर्स हैं वो छोटे हैं, तो नेक्स्ट आने वाले नंबर्स ऑफ कोर्स बड़े होंगे ना, तो छोटा क्या है 24 है, तो वो आंसर आ गया। ठीक है, तो ये होता है कॉमन मल्टीपल मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या हम करते हैं कि प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, प्राइम फैक्टर्स जब फाइंड आउट कर लेते हैं उनको इस तरह लिख देते हैं, और फिर जो कॉमन नॉन कॉमन दोनों को लिखने के बाद मल्टीप्लाई करके आंसर आता है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास डिवीजन मेथड। ठीक है, जो इस तरह करते हैं हम इकट्ठे प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है 45 और 50 का, हम लोगों ने एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख ली है, हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख लें 45, ठीक है, कॉमा 50। अब क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स जब भी स्टार्ट करते हैं फाइंड आउट करना, तो हम लोग लीस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं हम यहाँ पे 2 ले सकते हैं कि नहीं, तो अगर तो इन दोनों में से एटलीस्ट 1 नंबर भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम यहाँ पे 2 ले लेंगे। तो आपने अगर चेक करना है कोई नंबर इन दोनों में से 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो उसके लिए ये रूल होता है कि उस नंबर का लास्ट डेट चेक कर लें, किसी भी नंबर का लास्ट डेट 0 हो या 2 या 4 या 6 या 8, इसका क्या मतलब है कि वह नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 45 का लास्ट डेट चेक करें 5 है, इनमें से नहीं है तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। 50 का लास्ट डेट 0 है, इनमें से है तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। समझ आया, तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा। तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर एक नंबर भी डिवाइड हो रहा है तो आप यहाँ पे 2 ले लेंगे। ठीक है, अब 45 नहीं होता तो इसको क्या करेंगे, इसको वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब आपको पता है 2 के टेबल से डिवाइड हो जाता है 50। ठीक है, मैंने आपको बताया ये रीज़न, क्योंकि इसका लास्ट डेट 0 इनमें से है। तो अगर आपको डायरेक्टली पता है 2 के टेबल में 25 आता है 50, ठीक है, 2 के टेबल में 50 कितनी टाइम्स आता है, 25 टाइम्स, तो आप लिख लें। नहीं पता, कोई और नंबर है, आपने उसको किस तरह सॉल्व करना है, आप इस तरह कर सकते हैं, आपके लिए ईजी होगा। ठीक है, कि 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 से छोटा 4 आता है, आप इसे कट करके 4 बना लें। 2 के टेबल में 4 आता है 2000। ठीक है, समझ आया, इतना 5 था, आपने जब इसे कट करके 4 बनाया, इसका 1 इधर चला गया, ये बन गया 10। 2 के टेबल में 10 आ गया 5 सर, तो आपको डायरेक्टली भी पता था, डायरेक्टली पता है तो वो लिख लें, वरना कटिंग कर लें तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अगेन हम यहाँ पे अब 2 ले सकते हैं तो नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, ये तो पहले ही 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था, अब ये भी नहीं हो रहा क्योंकि 25 का लास्ट डेट 5 है, इनमें से नहीं है। समझ आया, तो ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, अब हम यहाँ पे 2 नहीं लेंगे। ठीक है, 3 ले सकते हैं, तो 3 के टेबल में ये तो नहीं आता है लेकिन ये आता है, अब मुझे कैसे पता, 3 के लिए भी रूल होता है। ठीक है, तो क्या रूल होता है मैं आपको बताती हूँ, 3 के लिए ये रूल होता है हमारे पास कि जिस नंबर को आपने चेक करना है वो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो उसके लिए उसके डिजिट्स को प्लस कर दें। जैसे 45 एक नंबर है, इसके डिजिट्स प्लस करें, प्लस करें, प्लस करने पे अगर तो कोई ऐसा नंबर आ जाता है जो कि 3 के टेबल में आता है, तो उसका क्या मतलब है, पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 में 5 प्लस करें 9 आ रहा है, मैंने आपको क्या कहा था, डिजिट्स प्लस करें, प्लस करने पे देखें 3 के टेबल में आता है 9, यस आता है, इसका क्या मतलब है कि पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ठीक है, आपको पता है ना 3 के टेबल में 24 आता है, 25 नहीं आता, रूल के अकॉर्डिंग भी चेक करें तो 2 में 5 प्लस करें 7 आता है, 3 के टेबल में 7 नहीं आता। अब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा लेकिन ये तो हो रहा है ना, तो हम यहाँ पर फिर भी 3 ही लेंगे। अब फिर से देख लें, 3 के टेबल में 45 आता है, आपको पता है डायरेक्टली 15 से आता है, तो डायरेक्टली लिख दें, नहीं पता तो इस तरह कर लें सॉल्व, जैसे हमने ऊपर किया था कटिंग करके, वो इजी हो जाता है। ठीक है, और पेपर ये टेस्ट में कर रहे हैं तो बाद में रेस कर दें पेंसिल से किया हुआ वर्क। 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 4 से छोटा 3 आता है, आप इसे कट करके 3 बना लें। 3 के टेबल में 3 आता है 1000, ये 4 था, हमने इसे कट करके 3 बनाया, इसका 1 इधर चला गया, ये बन गया 15।
3 के टेबल में 15 आ गया, 5s आ, 3 के टेबल में 25 नहीं आता, इसको वैसे ही लिख लेंगे। अगेन 3 ले सकते हैं हम यहाँ पे, तो यस ले सकते हैं, 3 के टेबल में 15 आता है, ये नहीं आता तो इसको फिर से वैसे ही लिख लेंगे। 3 के टेबल में 15 आता है, 5s आ, 25 नहीं आता, इसको वैसे ही लिख लें। अब 3 ले सकते हैं तो नहीं ले सकते, 3 के टेबल में 5 नहीं आता ना 25 आता, तो हम यहाँ पे 5 लेंगे, 5 वन्स है, 5 के टेबल में 25 आता है, 5s है, ठीक है। अब 5 ले लेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है और यहाँ भी अब 1 आ गया, 5 वन्स है, 5 आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, LCM ऑफ किस किस का फाइंड आउट कर रहे हैं वो यहाँ पे लिख दें, 45 एंड 50 इज इक्वल टू, इसके जो फैक्टर्स आए हैं वो यहाँ पे लिख दें और इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ जाएगा, 2 थ्री ज़ार कितना होता है 6, 6 थ्री ज़ार 18, 18 फाइव ज़ार कितना होता है, 18 फाइव ज़ार होता है हमारे पास 90, और 90 फाइव ज़ार क्या आ जाएगा 450, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई करके 450 आ गया, तो हमने क्या कहा एलसीएम क्या है 45 और 50 का 450, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अच्छा आंसर रिक्वायर भी 450 था। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन ये 14, 21 और 56 का एलसीएम फाइंड आउट करना, और इसका आंसर क्या आना चाहिए 168, ओके। तो यहाँ पे लिखते हैं 14, देन 21, देन 56। अब क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स मैंने आपको क्या कहा था कि अगर, तो इन हमने चेक करना है इन तीनों में से, अब ये दो थे अब तीन आ गए, इन तीनों में से अगर एक नंबर भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम यहाँ पे 2 ले लेंगे। तो 14 के टेबल जो है वो 14 जो नंबर है वो 2 से डिवाइड होता है, 2 के टेबल में 14 आता है, ठीक है। 21 नहीं होता और 56 भी होता है, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग चेक कर लें, 14 का लास्ट डेट 4 है इनमें से है तो ये नंबर भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 21 का लास्ट डेट 1 है इनमें से नहीं है तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 56 का लास्ट डेट 6 है इनमें से है तो ये नंबर भी 2 से डिवाइड हो रहा है। अब ये दोनों हो रहे हैं, ये नहीं हो रहा, तो हम इसको वैसे ही लिख लेंगे, हम यहाँ पे 2 ले लेंगे। 2 के टेबल में 14 आता है, 7 सा, 2 के टेबल में 21 नहीं आता, इसको वैसे ही लिख लेंगे। 2 के टेबल में 56 कैसे आएगा, आप फिर कटिंग करके कर लें, वो ईजी हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली पता तो डायरेक्टली लिख दें, नो इशू, ठीक है। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 से छोटा 4 आता है, आप इसे कट करके 4 बना लें। 2 के टेबल में 4 आता है, 2 ज़ा, ये 5 था जब मैंने इसे 4 बनाया तो इसका 1 इधर चला गया, ये बन गया 16। 2 के टेबल में 16 आ गया, 8 ज़ा, तो अगर आपको डायरेक्टली पता था 28 आना तो लिख लें, फिर कटिंग ना करें, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे 2 ले सकती हूँ, तो यस ये भी नहीं डिवाइड होता, ये भी नहीं होता, लेकिन ये हो रहा है तो मैं यहाँ पे 2 ले लूँगी। एक नंबर भी अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो हमने यहाँ पे 2 ही ले लेना है। ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, इसको वैसे ही लिख लें। 2 के टेबल में 2 आता है, 1 जाए, 2 के टेबल में 8 आता है, 4 जाए। अगेन 2 ले सकते हैं, तो यस अभी भी ये डिवाइड हो रहा है, जब तक कौन है एक नंबर भी 2 से डिवाइड हो रहा है तब तक 2 ले लें। ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, इसको भी वैसे लिख लें। 2 के टेबल में 14 आता है, 7 जाए। अब देखिए हमारे पास इन तीनों में से कोई नंबर भी ऐसा नहीं है जो 2 से डिवाइड होता है, तो हम यहाँ पे 2 नहीं ले सकते अब, ठीक है। 2 तो नहीं ले सकते, 3 ले सकते हैं, तो यस 3 ले सकते हैं। 3 के टेबल में ये दोनों तो नहीं आते, लेकिन ये आता है तो 3 ले लेंगे, 7। 3 के टेबल में 21 आता है, 7 जाए, और ये 7 का 7 आ गया। आप यहाँ पे 3 नहीं लेंगे, 7 एक प्राइम नंबर है, ये अपने टेबल में आता तो 7 ही ले लेंगे, 7 अंदर 7, 1 और 1, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एलसीएम यहाँ से लिख लेते हैं, एलसीएम ऑफ 14, 21 एंड 56 इज इक्वल टू, जो इसके फैक्टर्स आए हैं वो यहाँ पे लिखने हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, और हमारे पास क्या आ जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करके 2 टू ज़ार 4, 4 टू ज़ार 8, 8 थ्री ज़ार 24, 24 7 ज़ार, तो क्या आ गया 168, ठीक है। तो सबको मल्टीप्लाई करके 168 आ गया, हम क्या कहेंगे एलसीएम क्या आया 14, 21 और 56 का 168 आया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का हमने पार्ट किया है 1 और 2, नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं नेक्स्ट पार्ट्स इसके कवर करवाऊंगी, सॉल्व करवाऊंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है।